बड़ा सवाल उठ रहा है, कल किंजल मिसाइल का इस्तेमाल और अब न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की मांग, क्या ये परमाणु युद्ध की ओर जाने के संकेत है? क्योंकि ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो कि इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस अब युद्ध में घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और परमाणु युद्ध भी हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 25वां दिन है, लेकिन ये युद्ध थमने के बजाय और भी बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भले ही दुनिया भर के देशों से रूस पर दबाव बनाने और युद्ध को रोकने में मदद करने की गुहार लगा रहे हों, लेकिन पुतिन की मंशा कुछ और है। इसका इशारा उन्होंने 24 घंटे पहले युद्ध के मैदान में हाइपरसोनिक मिसाइल की एंट्री कराकर दे दिया है। अब खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने परमाणु युद्ध की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। कभी रॉकेट, कभी मिसाइल, कभी बम, तो कभी टैंक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए किसी भी हथियार के इस्तेमाल से हिचक नहीं रहे। पुतिन का प्लान है यूक्रेन का सर्वनाश, लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ उतना नहीं है जितना कि दिख रहा है। तबाही की तैयारी इससे ज्यादा की है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पुतिन की तैयारी अब न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध की है। जी हाँ, यही सच है, पुतिन का अगला प्लान परमाणु युद्ध है। सूत्रों के मुताबिक ये बात क्रेमलिन के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। इन टॉप अधिकारियों के मुताबिक पुतिन ने हाल ही में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने की मांग की है। पुतिन की इस मांग ने सभी को चौंका दिया है। पुतिन ने ये मांग ऐसे वक्त की है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुतिन को आया न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का प्लान तबाही से भरा साबित हो सकता है। वैसे परमाणु युद्ध जैसे खतरे का ट्रेलर पुतिन ने यूक्रेन में दिखा दिया है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपने महाविनाशक को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की मदद से रूस ने पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को दिए गए हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया। ये महाविनाशक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि अभी तक किसी भी देश के पास इसका तोड़ नहीं है। ये मिसाइल परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को चेतावनी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। इससे पहले भी रूस की मीडिया के हवाले से आई खबरों में दावा किया गया था कि परमाणु युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए पुतिन ने अपने परिवार को सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया है। पुतिन के परिवार को ऐसे सुरक्षित जगह भेजने का दावा किया गया था जो सिर्फ एक बंकर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड शहर है। व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों को लगातार धमकाते रहे हैं और उनसे कहते रहे हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन विवाद में दखल दिया तो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया था। पुतिन के इरादे कितने आक्रामक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की तरफ से अब पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया गया है। क्या पता अगली बार परमाणु हथियारों की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने यूक्रेन के झंडे से मिलता हुआ स्पेस सूट पहना। उन्होंने ऐसा क्यों किया अभी इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन इस घटना का असर बड़ा हो सकता है।
जमीन से आसमान तक रूस का विरोध। युद्ध के खिलाफ आसमान से संदेश। रूस यूक्रेन युद्ध का असर पहले सिर्फ जमीन तक सीमित था, लेकिन अब यह आसमान तक पहुंच गया है। कि युद्ध की वजह से स्पेस कम्युनिटी में रूस का बहिष्कार होगा, लेकिन नासा ने इसे खारिज कर दिया था। नासा ने साफ कर दिया था कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती और जमीन की लड़ाई से आसमान का कोई वास्ता नहीं है। I can tell you that for over 20 years, the International Space Station Partnership has operated successfully. All these activities have continued for 20 years and nothing has changed in the last 3 weeks. The control centers operate successfully, flawlessly, seamlessly. We're not seeing any impacts to what's going on around us. लेकिन रूस इस युद्ध को जमीन से आसमान तक ले गया। ये तस्वीरें कजाकिस्तान के बैकानूर की हैं, जहां रूस ने अपने रॉकेट से तमाम देशों के झंडे हटा रहा है। देखिए रूस ने कैसे बारी बारी से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के झंडे हटा दिए। ये वही देश हैं जो इस युद्ध में रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं। झंडा उतारने से रूस का मतलब साफ था कि चाहे जमीन हो या आसमान, रूस के खिलाफ बोलने वालों को वो माफ नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन पर वो जंग लड़े और आसमान में शांति और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़े। लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की है, जहां युद्ध शुरू होने के बाद रूसी अंतरिक्ष यात्रियों का पहला बैच पहुंचा है। लेकिन इनका ये स्पेस सूट देखिए, इस सूट के रंगों पर जरा ध्यान दीजिए। क्या आपको भी ये रंग यूक्रेन के झंडे से मिलते हुए दिख रहे हैं? इनके सूट में भी पीले रंग का लगभग वही शेड है जो यूक्रेनी झंडे में इस्तेमाल होता है, और पीले रंग के साथ नीले रंग का मेल, यानी रूसी अंतरिक्ष यात्री युद्ध के खिलाफ हैं और यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। रूस के इस रंगों के खेल की वजह तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुनिए अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या कहा। Ну и чтобы не были все одинаковые, каждый экипаж выбирает такой, чтобы не, ну, чтобы не одинаковые были. Ну, у нас дошла очередь до нашего цвета. इस स्पेस सूट से रूस क्या कहना चाहता था, उसका मतलब क्या था, ये तो साफ नहीं है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि इस वक्त सोते जागते भी पुतिन के ध्यान में सिर्फ यूक्रेन बसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस ने युद्ध के 25वें दिन भी यूक्रेन में हमले तेज किए हैं। यूक्रेन के खार्किव, साल्टोवका सहित कई हिस्सों में भारी गोलाबारी की है। खासतौर पर रूस की ओर से खार्किव में आज बड़े हमले किए जा रहे हैं। खार्किव में पहले से यूक्रेनी सेना की कई इकाइयां तैनात है। यहां जबरदस्त घमासान चल रहा है और पिछले 25 दिनों से भीषण जंग जारी है। आज भी खार्किव में रूस ने जोरदार अटैक किया है। युद्ध का 25वां दिन, हमलों की रफ्तार और इंटेंसिटी दोनों तेज कर रहा है रूस। खार्किव में आज जोरदार अटैक किया है, साल्टोवका को भी निशाना बनाया है रूस ने। लड़ाई का 25वां दिन, जोरदार हमला देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के कई बड़े शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं रूस के हमलों की वजह से, और खार्किव और साल्टोवका में आज जोरदार अटैक किया है रूस ने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.